थाने के बाद आपस में भिड़े किसान और पुलिस, आंदोलनकारियों व पुलिस के बीच हुई झड़प। पुलिस की बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए। हिसार में रविवार को ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के अंदर बने 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर स्कूल के बाहर किसान आंदोलनकारियों व पुलिस के बीच झड़प हो गई। आंदोलनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी की गई और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज भी किया। इस झड़प में 15 के करीब पुलिस कर्मचारी और 20 के करीब किसान आंदोलनकारियों के घायल होने की सूचना है। इसमें एक महिला के सिर पर काफी चोट लगी है। हिसार में डीएसपी अभिमन्यु लोहान के साथ आंदोलनकारियों ने हाथापाई भी की और सूचना है कि पुलिस ने 200 के करीब किसानों को हिरासत में लिया है। माहौल तनावपूर्ण है और किसानों के दोबारा एकत्रित होने की सूचना है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी हिसार पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलनकारियों ने रविवार को कोविड अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचने वाले राज्य के सीएम मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का घेराव करने की पहले ही घोषणा कर दी थी। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई थी। भारी पुलिस बल स्कूल के बाहर लगाया गया था। सरकार की तरफ से जारी विज्ञापन में सीएम के कार्यक्रम की जगह और समय सार्वजनिक नहीं किया गया था। यहाँ तक कि हिसार के मीडिया को भी सीएम के कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई थी। सीएम सुबह सुबह ही स्कूल में पहुंच गई और कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वहां चिकित्सकों को भी संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ हांसी टोल पर सुबह से ही किसानों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। किसानों को वहीं रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी, लेकिन वो किसानों को नहीं रोक पाई और उसे तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए। इसके बाद किसानों को सात रोड नहर के पास रोक लिया गया। इसी बीच सीएम हिसार में अस्पताल का उद्घाटन करके निकल गए। किसान आंदोलनकारियों को ये बात पता नहीं लगी। सात रोड नहर से बैरिकेटिंग तोड़ते हुए सैकड़ों आंदोलनकारी ओपी जिंदल मॉडल स्कूल के पास पहुंच गए। उन्हें रोकने के लिए काफी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे और बैरिकेटिंग भी की गई थी। किसान आंदोलनकारियों ने यहां पर बैरिकेटिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। आरोप है कि पुलिस के रोकने पर आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस पत्थरबाजी के कारण एक बार तो पुलिस कर्मचारी भागने को मजबूर हो गए, लेकिन दोबारा इकट्ठा होकर पुलिस ने पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े और बाद में लाठी चार्ज करके आंदोलनकारियों की भीड़ को तितर बितर कर दिया। एक सेकंड, ये देखो चीनू पकड़ियो भाई, देखो लाठी लग रही है नी, लाठी चार्ज कर रखा मारे भी। हमने तो किसी को पत्थर मारे नहीं, हम तो रोका दे पत्थर मारनिया। अच्छा। हाँ, सरकार किसान का मजदूर का दमन करना चाहती है। ठीक, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या जान दे देंगे। ठीक है, तो किस लिए आए थे सर आप यहाँ? आज मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए आए थे। हमारे संयुक्त मोर्चा का जो आदेश है, भाई बीजेपी जेजेपी के नेता अभिनेता कहाँ जयंत पर भी आए, उनका विरोध प्रदर्शन करना है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए, उसके कार्यक्रम का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक है जी। थोड़ी साइड तो ले ले यार, 5-10 फुट की स्कूल में तो नहीं आता, कन्नू वहां से स्कूल दौर चल जाएगा ना। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।